पुंछ में आज भी रहा लॉकडाउन जारी, बाजार बंद, सड़कें सुनसान। एसएसपी खालिद अमीन ने किया पुंछ की अलग अलग जगहों का दौरा। आज के इस दौरे के हवाले से एसएसपी खालिद अमीन ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों से कम ही बाहर निकलें और गांव के लोगों से ये अपील करते हुए कहा है कि वो शहर में कम आएं। लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था अपने सरकार की तरफ से, उसी कड़ी में है। हम इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक हम कामयाब हैं। बीच में लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत का जो थोड़ी रिलैक्सेशन सुबह दी जाती है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 11 बजे तक, अभी जैसा ख़त्म हुआ आपने देखा कि अब लोगों का भी मिजाज बन रहा है कि हमें उसी टाइम के अंदर रहते हुए अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो ख़रीदनी है। मैंने कल भी एक अपील की थी कि गांव के लोग जो हैं, आजकल वैसा दौर नहीं कि गांव में सब्ज़ी नहीं मिल सकती है, गांव में ज़रूरियात की चीज़ें नहीं मिलती, अच्छे स्टोर वहां खुले हुए हैं, गाड़ियां सब्ज़ी जो हैं वो ताज़ी की ताज़ी जो है वो जम्मू से लेके आती हैं, वहां वो गांव से ही लें। इस शहर के लोगों के लिए है जो विद इन द म्यूनसिपल लिमिट लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में कोरोना पेशेंट्स के अटेंडेंस के लिए नहीं है कोई बंदोबस्त, लोगों ने किया नाराज़गी का इजहार। तो कितने पेशेंट हो गए अभी इस समय? 48। तो उनके सबके साथ जो नेगेटिव हो गए उनके साथ जो मतलब सबके साथ अटेंडेड हैं, किसी को पीपी किट प्रोवाइड? सुनकोट ए के डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी की अध्यक्षता में आज मुगल रोड को लेकर डीडीसी ऑफिस के बाहर किया गया प्रदर्शन। हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की थी, हमने उनको ये कहा था कि हमने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर डिविजनल कमिश्नर साहब को, फिर आपको, एलजी साहब को,
चीफ सेक्रेटरी साहब को ये अपील की थी, ये गुजारिश की थी कि ये रोड खोलिए। इस वक्त कोरोना महामारी जो है, जो पैंडेमिक है, वो पूरे मुल्क में जहाँ फैला हुआ है वहाँ उसमें हमारे खित्ता पीर पंजाल के लोग भी उसके जद में आ रहे हैं। और हमें यहाँ से सिर्फ 3.5-4 घंटे जो है हमारे मरीजों को श्रीनगर जाने में लगते हैं, और वहाँ अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। बीजेपी आरएसपुरा इकाई की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकार वार्ता जिस मुद्दे पर हो रही है, अब सब जानते हैं कि जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक लेटर लिखा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, ये जो कोविड की महामारी के बारे में, उसी के विषय में आज ये जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी ने हमें एक लेटर वहां से पोस्ट किया है, उसी के उपलक्ष्य में हमें जो प्रदेश से जो आदेश आया है उसी विषय में आज हम इस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सब जानते हैं कि जिसके पिछले साल जो 8 महीने लागू हो रहा था, और उसी में कश्मीर में लेक्स एंड वाटरवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से अलग अलग जगहों पर हटाई गई इंक्रोचमेंट। चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी ने किया अलग अलग जगहों का दौरा और वहां चल रहे डेवलपमेंट कामों का लिया जायजा, और आवाम से कहा कि राजौरी में वो बहुत जल्द कम्युनिटी हॉल और पब्लिक पार्किंग का काम कर रहे हैं शुरू। दस से 12 कनाल जो ज़मीन है वो मुसीबती की है, दरिया के बिल्कुल पास। हमारा यहाँ पे ये था कि इस साल का जो कोमैक्स बजट है मुसीबती का, उसमें हमने यहाँ पे प्रपोज किया था एक अपना कम्युनिटी का, जो इन दिनों में हम आकार करके इसका टेंडर लगवाने जा रहे हैं। और आज हमें उसी सिलसिले में हमारे साथ अपने जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं वो भी हमारे साथ हैं, डीओ साहब हैं, और हम यहाँ पे आके ये देख रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है इसमें वो ज़रूरी है, क्योंकि दरिया के बिल्कुल ये साथ में है। और हम ये चाहते थे कि जैसे हमारा जो इलाका है, जवाहरनगर है, तहसील मंडी के लोरन के दूर दराज इलाके में आज रियाज आतिश ने जरूरतमंद लोगों में खाने पीने की चीजें की तकसीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस सिलसिले में मुझसे पूछा। मैं आपको बताऊं कि हमने एक सर्वे किया था, सर्वे में हमने कुछ विलेजेस जो पंचायत से कुछ अडॉप्ट की थी, वहां के जो जेन्युइन केसेस थे, हमें मालूम था कि आने वाली टाइम में ईद है, क्योंकि हमें काफ़ी फोन्स आ रहे थे फार फ्लंग एरिया से,
वही हमने ईद के हवाले से ईद के दो दिन पहले कम से कम 200 किट्स जो है हमने जो आज सुरनकोट में सोशल वर्कर सैयद मेहताब बुखारी की ओर से मुगल रोड को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ एक मकसद है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस महामारी के दौर में हमारी मूल रोड जो है उसको बंद किया गया है और वो जान मूल की इस रोड